माँ माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ। माँ खाना ले आओ नहीं तो मैं डिशुम डिशुम गोली मार दूंगा। बेटा तू खेल ले, मैं तेरे लिए अभी खाना लाती हूँ। माँ खाना ले आओ मुझे भूख लगी है बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, जल्दी ले आओ। पता नहीं कौन से बुरे कर्म का फल मिला है हमें। भगवान ने हमें एक संतान दी और वो भी चुप हो जा भाग्यवान, चुप हो जा। हम इसके इलाज के लिए कहां कहां नहीं गए, हमने इसके लिए अपनी जमीन जायदाद फैक्ट्री यहां तक के लिए अपना घर भी बेच दिया, मगर हमारे बेटे को कोई ठीक नहीं कर पाया। पता नहीं हमसे कौन से पाप हुए हैं जिसकी सजा हमारे बच्चे को भुगतनी पड़ रही है। आलोक निरंजन, माई आप इतनी उदास क्यों हैं? कुछ नहीं बाबा। माई समस्या छिपाने से समस्या और बढ़ जाती है, क्या पता हम तुम्हारी समस्या का कोई समाधान कर दे। अपनी समस्या बताओ माई। बाबा मेरे बेटे को बचपन में खेलते हुए सर पे चोट लग गई थी, जब से वो पागलों की तरह रहता है। हमने उसके इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया पर कहीं भी आराम नहीं लगा। माई क्या मैं आपके बेटे को देख सकता हूँ? हाँ बाबा क्यों नहीं, आइए। आपका बेटा ठीक हो सकता है माई? कैसे बाबा जी? दीनापुर गांव में श्यामलाल वैद्य जी हैं, अगर उनकी बेटी के साथ इसकी शादी हो जाए तो। एक पागल को अपनी बेटी कौन देगा बाबा? मैं तो केवल रास्ता बता सकता था, वो मैंने बता दिया। बाकी क्या करना है वो आप देखिए। आपने हमें रास्ता दिखाया बाबा, तो मंजिल तक भी आप ही पहुंचा सकते हो बाबा। आप वहां जाओ और उनसे बात करो। बाबा उन्होंने मना कर दिया तो? ये लो उनको ये दे देना, वो मना नहीं करेंगे।
अजी हैं क्या श्यामलाल जी? हाँ जी आ जाओ। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी, आप कहाँ से आए हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी आप ही श्यामलाल वैद्य जी हैं? जी मैं ही श्यामलाल वैद्य हूँ जी। हमें आपके पास किसी ने भेजा है। ठीक है आओ बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक पागल के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता। वैद्य जी आप हमें मना मत करो, हम आपके पास बहुत आस लेकर आए हैं। वैद्य जी आप जैसा चाहोगे जो चाहोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। वैद्य जी हम अपना सब कुछ आपकी बेटी के नाम कर देंगे। वैद्य जी बस आप इस रिश्ते की हाँ कर दो। वैद्य जी आप मना मत करो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं मना मत कीजिए। वैद्य जी। हाँ जी। अगर मैं आपको ये दूं तब भी नहीं? ये आपके पास कहां से आई? जिन्होंने हमें आपके पास भेजा है उन्होंने ही हमें ये माला दी थी। गुरुजी आपकी बेटी सियानी होगी, अगर कोई वर हो तो जरूर बताओ। अगर मैंने आपकी बेटी का कहीं रिश्ता पक्का कर दिया और तुमने इनकार कर दिया तो मेरे वचन का क्या होगा? गुरुजी आपका वचन कभी नहीं टूटने दूंगा मैं। मैं कैसे विश्वास कर लूं आपकी बात का? गुरुजी लो ये माला। मैं वचन देता हूं जिसके पास भी ये माला होगी उसके बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर दूंगा। सोच लो श्यामलाल। सोच ही लिया गुरुजी, आपका वचन टूटने नहीं दूंगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूं। ठीक है गुरु। ठीक है आप रुको मैं भी आता हूं। स्वाति बेटा, स्वाति बेटा। जी पिताजी। बेटा ये पकड़ माला, हमने एक वचन दिया था जिसके पास ये माला होगी उसके साथ तेरी शादी कर देंगे। ठीक है पिताजी जो प्रभु की इच्छा। ठीक है। मुझे रिश्ता मंजूर है, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए शादी की तैयारी करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मामा बहू मेरी।
माला लड्डू खा लो। ले इसमें से खा ले, ले ले इसमें से खा ले, ले ये नहीं खाने की मैं खम्मा दोनों के दोनों। बेटी तुझे तो सब पता है कि मेरा बेटा कैसा है। आज से उसकी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है, उसका ध्यान रखना। लो ये दवाई, उसको दे देना। ठीक है माँ जी। चलो यो छोटे वाली बोल, यो बड़े वाली बोल। यो है ना मुझे मम्मी ने ला के दी थी मेरे बर्थडे पे, मैं इनसे ही खेलता हूँ। तू खेलेगी मेरे साथ? मेरे साथ खेलेगी तू? मेरे साथ नहीं खेलेगी। मेरे पास एक गुड़िया दिखाऊं? मेरी गुड़िया कहाँ गई? मेरी गुड़िया कहाँ गई? ये झुनझुना झुनझुना बहुत बढ़िया है, मेरे पापा ने ला के दिया था। और पता है ये नहीं बंदूक, हम मेले में गए थे, बिच्याओ ये बंदूक मुझे मामा ने ला के दी थी। तू मेरी बहू है ना, मेरे साथ खेलेगी, हम दोनों खूब खेला करेंगे। मैं यहाँ पे अकेला बोर हो जाता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। पता है मेरे मम्मी पापा मुझे खेलने के लिए कहीं नहीं जाने देते, कहीं भी नहीं जाने देते। तुम खेलोगे ना मेरे साथ? ठीक है, हम दोनों साथ साथ खेला करेंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं खेली ना तो तुम्हें गोली मार दूंगा। डिस्क्याऊँ खेलोगी ना? हाँ खेलूंगी, पर एक शर्त पे। शर्त क्या? दवाई खानी पड़ेगी। अब तुम आराम से लेट जाओ। नहीं, पहले मेरी माँ को बुलाओ, मुझे लोरी सुननी है। माँ जी सो गई हैं, आप लेट जाओ, मैं लोरी सुनाती हूँ। तुम्हें आती है लोरी सुनानी? हाँ। सच में? आप लेट जाओ। ठीक है। सुनाओ। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत में ऐसा होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। हे श्याम बाबा, ऐसे मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे ऐसा पति मिला? अगर आपने मुझे ऐसा पति दे ही दिया तो आप ही राह दिखाओ बाबा, तो आप ही राह दिखाओ बाबा, मेरे पागल पति को ठीक कर दो बाबा, मेरे पागल पति को ठीक कर दो बाबा। बाबा मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मेरे पति को जरूर ठीक करेंगे बाबा,
मेरे पति को जरूर ठीक करेंगे बाबा। बाबा आप तो हारे के सहारे हो ना, तो मेरे पति को भी ठीक कर दो बाबा, मेरे पति को भी ठीक कर दो बाबा। हे श्याम बाबा, अगर आपने मेरे पति को ठीक नहीं किया तो मैं आपकी पूजा कभी नहीं करूंगी। मैं आपको कभी भगवान नहीं मानूंगी। माँ जी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। क्या हुआ बेटी? माँ जी आपको तो पता है ना मेरे पापा वैद्य हैं, मैं इनके लिए कुछ दवा लेके आना चाहती हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। जैसा तुम ठीक समझो बेटी। ठीक है माँ जी, मैं कल जाके पिताजी से कुछ दवाई लेके आती हूँ। ठीक है बेटी। बेटा बेटा ये मल्लम है, माथे पे इसका लेप करना है। ये तेल है, ये सिर में मालिश करनी है इसकी। ये गोली है, सुबह शाम देना है। ठीक है बेटा, सब ठीक हो जाएगा, श्याम बाबा सब ठीक करेंगे। अच्छा पिताजी मैं चलती हूँ, नमस्ते। खुश रहे बेटी, ठीक से जाना। ठीक है ठीक है बेटा। हे श्याम बाबा, ऐसी संस्कारी बहू सबको देना, हमने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर लगता है आपके आशीर्वाद से अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अच्छा आप लेट जाओ,
मैं आपकी दवाई लगा देती हूँ। नहीं, मुझे दवाई नहीं लगवानी, मुझे खेलना है। अच्छा, तुम दवाई नहीं लगवाओगे तो मैं आपके साथ खेलूंगी नहीं। लेट जाओ। आराम से लेटे रहना, ठीक है? उठना मत। उठ जाओ, ये पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना, ये बहुत कड़वा लगता है। आपको जल्दी ठीक होना है ना, तो जल्दी से दवा पी लो। बहुत कड़वा था ये। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ दो। मैं तो सारा दिन बाहर रहता हूं, तुम ये बताओ बेटे की हालत में कोई सुधार है या नहीं? जी, काफी सुधार है, और श्याम बाबा ने चाहा ना तो हमारा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। माँ जी, आप मेरे साथ चलो। पिताजी, आप भी चलो, जल्दी आ जाओ। माँ जी, क्या हुआ बेटी? आओ माँ जी, आपको कुछ दिखाना है, जल्दी से आ जाओ। माँ जी, आप यहीं रुको और आप अपनी आंखें बंद कर लो। मैं जब तक नहीं आऊँ ना, तो आप अपनी आंखें मत खोलना, ठीक है? मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। माँ, बाबूजी, बेटी, तुम्हारी सेवा और भक्ति के कारण आज हमारा बेटा ठीक हो गया। तुम महान हो बेटी, तुम महान हो। नहीं पिताजी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, ये सब तो श्याम बाबा के आशीर्वाद से हुआ है। आप ठीक कह रहे हो जी, हमें बहू के रूम में श्याम बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। हे श्याम बाबा, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। बोलो हारे के सहारे की जय। बोलो श्याम प्यारे की जय।